2024 की तैयारियों की चर्चा इस बार थोड़ा पहले शुरू हो गई। हालांकि 2014 के बाद से लगातार चुनाव से पहले चुनाव की चर्चा हो जाती है शुरू, और ये भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक की तैयारियों में एक दिन भी विश्राम नहीं करती है। एक बार फिर से बिहार में जो चर्चाएँ चल रही हैं और जिस तरह से 40 सीटों का चक्कर चल रहा है, उसमें आधा दर्जन सीट ऐसे हो गए हैं जिस पर कांग्रेस, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये तीनों मिलकर के ऐसा उस पर दांव खेलने जा रहे हैं जिस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ने वाली है। और ये सीटें परंपरागत सीटें रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वो जो प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है कि इस बार वो खुद 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कई लोगों के कहा जा रहा है कि उम्र के कारण या और भी कई कारण हैं जिनके चलते उन्हें इस बार ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन इन सारी चर्चाओं में सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है कि किस तरह से महागठबंधन के ये तीनों दल जो कि 2015 में साथ आए थे और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दिया था बिहार के चुनाव में, वैसे ही इस बार लोकसभा चुनाव में ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन सीटों पर ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं जो उनकी परंपरागत सीट रही है। आपको याद होगा कि हमने आपको बहुत पहले बताया था कि पटना साहिब की चर्चा हम आपसे लगातार करते रहे हैं और पटना साहिब में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने कमजोर रहा है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो लगातार वो जीतते रहे हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और उसका जो कमजोरी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। आपको बताएं कि इस बार पटना साहिब में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देनी होगी, जबकि पहले तो आपको ये बता दें कि रविशंकर प्रसाद जो वर्तमान सांसद हैं उन पर तलवार लटक रही है। इस बार कहा यह जा रहा है कि उन्हें ड्रॉप किया जाएगा, और यहाँ ये भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं चुनाव लड़ने। हालांकि ये बहुत अर्ली जो कहा जा रहा है कयास है और चर्चाएँ हैं, लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट देने की तैयारी चल रही है। और पटना साहिब में ऋतुराज सिन्हा का नाम बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीट को कहा जाता है कि कायस्थ बेस्ट सीट है, यहाँ अक्सर कायस्थ उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा का नाम सामने आने के बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं और उनका आपने देखा होगा कि पटना में फोकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और अपने पिता की विरासत को बहुत तेज़ी से आगे उन्होंने बढ़ाया है। SIS के सब कुछ करता धरता वही हैं अब, और उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें कि इस परंपरागत सीट पर एक बार फिर से महागठबंधन अपनी जो जोर आजमाइश है वो करना चाहता है, और इसके लिए एक सक्षम कैंडिडेट की तलाश चल रही है जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। JDU RJD की नज़र इस पर है, और अब तक जो नहीं हुआ है, कांग्रेस को ये सीटें जाती रही है, इस बार राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक मजबूत कैंडिडेट खोज रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2024 के चुनाव में चित कर दे। कई नाम सामने आ रहे हैं, हम उसका खुलासा भी आपको वक्त आने पर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब आप पाटलिपुत्रा की भी बात कर लीजिए, तो पाटलिपुत्रा सीट भी, खास करके वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में लंबे समय से रही है, पाटलिपुत्रा सीट भी दो बार से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। इससे पहले यहाँ रंजन यादव हों, लालू प्रसाद हों, मीसा भारती हों, कई लोग चुनाव लड़े हैं, और इस सीट पर इस बार कहा यह जा रहा है कि रामकृपाल यादव की भी छुट्टी हो सकती है। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह का फैसला लेगी, उसके लिए उसने अपने कई उम्मीदवार, और कहा यह जा रहा है कि सेंधमारी भी करने की तैयारी चल रही है। उस सेंधमारी में जदयू और RJD का कोई मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि कई नाम पाटलिपुत्रा से लड़ने के लिए रेडी है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ही इस पर चुनाव लड़ता रहा है, पिछले दो बार से तो मीसा भारती इस पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हार जा रही हैं रामकृपाल यादव के सामने। इस बार रीतलाल यादव इस पर जोर आजमाइश करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने खुल करके कहा भी था कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वो इस सीट को जीत करके इस बार उनकी झोली में डालेंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के यहाँ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की तैयारी दोनों ही कर रहे हैं।
इसका सीधा मतलब है कि महागठबंधन यहां भी एकजुट होने की बात कर रहा है। और हमने आपको यह भी बताया था कि जो नीतीश कुमार का फॉर्मूला है 1-1 यानी एक पर एक जो है वो चुनाव लड़ेगा महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। इसके साथ साथ अब शिवहर की बात कर लें, हालांकि छोटा संसदीय क्षेत्र है लेकिन यहां भी रमा देवी लगातार चुनाव जीतती रही हैं और इस बार यहां माहौल बदलने वाला है। कारण कि इस बार तीनों दल एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देना चाहते हैं और इसमें एक और दल जो है सक्रिय हो गया है। जहां एक तरफ रमा देवी की उम्र के कारण उनके टिकट कट सकते हैं तो वहीं आरएलजेडी भी इस सीट पर अपनी दावेदारी रख रहा है। आरएलजेडी के पास एक सक्षम कैंडिडेट हैं, नाम उनकी खूब चर्चा में आ रही है, पार्टी के लिए लगातार वो सक्रिय भी रहे हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं, नाम बताना जरूरी नहीं है लेकिन राजपूत बिरादरी से आते हैं। बहुत जल्दी वो एक बड़ा कार्यक्रम पटना में करने वाले हैं, एक दो दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से कुंवर सिंह जयंती को लेकर के और जदयू के भीतर खास करके जदयू और आरजेडी के भीतर वो एक बड़ी सेंधमारी करते आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों में से गिने जाते हैं, उनकी भी उसमें चर्चा चल रही है। और शिवहर सीट पर सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो है लवली आनंद यानी आनंद मोहन के परिवार का। आनंद मोहन की रिहाई के बाद जो समझौते कहे जा रहे हैं कि हो रहे हैं और उन समझौतों के तहत जहां एक तरफ लवली आनंद को यहां से चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है तो वहीं एक चर्चा ये भी है कि लवली आनंद को राज्यसभा भेजने का एग्रीमेंट आनंद मोहन ने जनता दल यूनाइटेड के साथ किया है, जिसमें उनके पुत्र जो अभी वर्तमान में चेतन आनंद बिहार में विधानसभा से शिवहर से ही जीते हुए हैं उनको शिवहर में टिकट दिया जा सकता है और कोटा होगा महागठबंधन का। तो ऐसी स्थिति में राजपूत बनाम राजपूत वहां चुनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि इस सीट को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी काफ़ी अपनी बात रख चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके अलावे जो हमने आधा दर्जन बताए थे उसमें से एक सीट मधेपुरा का है, मधेपुरा के सीट पर भी इस बार, चूंकि पिछली बार ये एनडीए के खाते में गया था और वहां जदयू के कैंडिडेट हैं लेकिन जदयू के कैंडिडेट समझौते के तहत ये सीट कांग्रेस मांग रही है तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी इस सीट को मांग रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर अपना जोर आजमाइश करेगी। शरद यादव के पुत्र भी इस सीट पर अपना कहा जा रहा है कि उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं आपको समझ लीजिए कि जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला है। इसका सीधा मतलब है कि जो लगातार हम कहते आ रहे हैं कि मधेपुरा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय के जो सुखाड़ है उसको खत्म करने की तैयारी में है और एक मजबूत कैंडिडेट लाकर के सामने खड़ा करने की तैयारी में है। तो वहीं आपको बता दें कि वर्तमान जो जदयू के सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव, उनके जगह पर कांग्रेस पप्पू यादव के लिए वो टिकट मांग रही है और पप्पू यादव वहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में शरद यादव पप्पू यादव में से किसी एक का नाम सामने लाया जा रहा है और ये सारी बातें जो खुल करके सामने आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और सीट है आरा का, आरा के सीट पर जो वर्तमान सांसद हैं आरके सिंह, उनको कहा जा रहा है कि वहां से रिप्लेस किया जाएगा। तो इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए। बीच में आपने देखा होगा कि मीना सिंह की भी खूब चर्चा हो रही थी, मीना सिंह और उनके पुत्र जैसे ही जदयू में ज्वाइन किए उसके बाद, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में जदयू से ज्वाइन किए उसके बाद से चर्चाएं जबरदस्त चल रही थी और मीना सिंह इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ऑफर कई बार ठुकरा चुके हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसमें एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में मीना सिंह और उनके पुत्र के आने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ये चुनाव वहां आरा से लड़ेंगी, तो वहीं आपको बता दें कि यहां जनता दल यूनाइटेड कड़ी टक्कर देने के लिए श्री भगवान कुशवाहा हो या फिर राजू यादव जो पिछली बार चुनाव लड़े हैं उनको भी सामने रखा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की इच्छा रखती है, क्योंकि पिछली बार 2019 में उसने राजू यादव को सपोर्ट किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीट पर ताल ठोकने के लिए कन्हैया सिंह विजन क्लासेस वाले भी पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि कन्हैया सिंह की उम्मीदवारी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आरके सिंह के जगह पर उनको भारतीय जनता पार्टी यानी आरसीपी गुट के तरफ से उनको
उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं और इस चर्चा में एक चर्चा और महत्वपूर्ण है कि इस सीट पर जब भारतीय जनता पार्टी का दावा कमजोर हो रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार हटा रही है, तो कहीं ना कहीं इस सीट पर एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब पूरी तरह से बिहार में मामला खुल के सामने आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि पर्दे के पीछे जो ये कहानी चल रही है ये कितना ज़्यादा वक्त के हिसाब से बदलती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।